और यहाँ पर भी गार्ड नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, गाड़ियाँ खुद ही रुक गई हैं। ये ब्लैक वाली को पता नहीं क्या हो गया, खुल जा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज समीउल्लाह, और आज का जो कंटेंट है वो मदीना की स्ट्रीट का है। मक्का की जो स्ट्रीट थी ना वो लोकल थी, मतलब पत्थरों के नीचे बनी हुई थी, कोई मसला नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो है ये सारी ऑफिशियल्स हैं, तो सब अपनी हदूद के अंदर हैं। यहाँ पे कुछ तस्वीरें वगैरह हैं, और ये नहीं है कि हदूद के अंदर है, अच्छी अच्छी बनी हुई तो महंगी होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल प्राइस है जो मदीना के अंदर रेट चल रहा होता है। खजूर, टॉफीज़ वगैरह, ये जो है कुरान की शॉप है, ये कपड़ों की है। अच्छा, यहाँ से ना हमें जैसे क्रॉस करना होता है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है, हमेशा गार्ड यहाँ पे खड़ा हुआ होता है, दो मिनट हमारा, दो मिनट गाड़ी वालों का होता है। लेकिन अभी गार्ड नहीं खड़ा हुआ, तो खुद ही पार करना पड़ेगा। अक्सर ना यहाँ पे गाड़ियाँ खुद ही रुक जाती हैं, वो नहीं है पाकिस्तानियों की तरह के घुस जाए कहीं पर, नहीं ऐसा नहीं है, रुक जाती हैं, नमाजियों का एहतराम करती हैं। वो रही मस्जिद नबी हो रहा है, लेकिन हम आगे जा रहे हैं क्योंकि आपको स्ट्रीट दिखानी है मुझे मदीना की, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या है, फार्मेसी वगैरह। ये जो है अंदर पूरा मॉल है, ये जो है ये परफ्यूम्स हैं। बिन दाऊद भी आपको मिल जाएगा बाबे फहद के सामने ही है, जैसे कराची में इम्तियाज होता है, यहाँ पे बिन दाऊद है, रेट बड़े अच्छे होते हैं यहाँ के। ये एक और रोड आ गया जो कि हमें क्रॉस करना है, और यहाँ पर भी गार्ड नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, शायद रात को होता है, मैंने देखा है अभी शाम का नहीं है। अब देखिए ना, यहाँ पे गाड़ियाँ खुद ही रुक गई हैं। ये ब्लैक वाली को पता नहीं क्या हो गया, वरना अक्सर खुद ही रुक जाती हैं ये गाड़ियाँ, नमाजियों का एहतराम करती हैं। अब आया की शॉप्स, ये छोटी मोटी हेडफोन्स की शॉप, छोटी ज़रूरी अशिया की जो चीज़ें होती हैं वो भी मिल जाएंगी। ये अंडरग्राउंड पार्किंग है, खजूरों की, जानमाज की और खुशबू की, यहाँ पे बड़ी शॉप्स हैं, बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं। ये जो है ये अंडरपास है, अक्सर अंडरपास हमने देखा है कि गाड़ियाँ होती हैं यहाँ पे, पैदल वाला भी अंडरपास है जो कि हमें एस्केलेटर से नीचे जाना होगा। एलिवेटर भी है यहाँ पर, लेकिन वो फिर व्हीलचेयर वालों के लिए। ये हम सकते हैं ज़मीन के अंदर, अंडर पास है ये हमारा। यहाँ पे आपको और अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी अफोर्डेबल प्राइस में, कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं है। मतलब आप देखो ना, पैदल में भी अंडर पास बनाया हुआ है, और ये बारिश की वजह से ऐसा नहीं है, ऐसे कराची के ऊपर जाते हैं ना, पानी भर जाता है, बारिश हो जाती है, ऐसा यहाँ पे नहीं है। ये सारी शॉप्स हैं। अच्छा, अब जो है हम ऊपर जाने वाले हैं, खुल जा, देखा खुल गया। अब ऊपर जाने वाले हैं क्योंकि ऊपर जो था मेन रोड था, हमें मेन रोड क्रॉस करना था, इस वजह से नीचे अंडरपास बनाया। ये हम आ चुके हैं अंडरपास से बाहर, और यहाँ पे एक और मार्केट लगी हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा लोकल है, ये आप देख सकते हो। जैसे एक रियाल, दो रियाल, दो रियाल की आवाज़ें आ रही हैं, इससे हमारे इतवार बाज़ार में आती रहती हैं। एक रियाल, एक रुपए, एक रुपए। ये पाकिस्तानी होटल भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे अच्छे से। बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है, और हर ठेले के पास ऊपर अम्ब्रेला है, मतलब फुल मेंटेन ठेला है। तो ये लकड़ी वाला नहीं है, जाए गधे पे बांध दो कि चला दो, ऐसी कराची में ऐसा नहीं है। अच्छा, और अगर मैं आपको दिखाऊं आगे आगे और सस्ती हैं, मतलब जितना आप हरम से दूर जाओगे ना उतनी और सस्ती हैं यहाँ पे, ये लोकल्स आ जाते हैं वहाँ पे। ये है लेकिन फ़ायदा नहीं, अगर आप परफ्यूम ले भी रहे हो ना तो कोई अच्छा वाला, महंगा वाला लो, जो
देर तक रहे, क्योंकि आप सऊदी आ गए हो तो अब आपको अच्छी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। अगर लोकली खरीदनी तो जाके आप कराची से जाके खरीद लो, मसला क्या है। यहाँ पे कुछ और शॉप से कपड़ों की, वॉचेस, घड़ियाँ, चॉकलेट्स। अगर कोई ब्रोस्ट ब्रोस्ट खाना है ना तो आप कहीं और नहीं जाना, यहाँ पे बहुत सारी दुकान है ब्रोस्ट की, नहीं जाना, सिर्फ अलपैक खाना। प्राइस में भी अफोर्डेबल होता है, इतना महंगा नहीं होता। अगर आप KFC मैकडॉनल्ड्स खाते हो पाकिस्तान में तो फिर इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता, लेकिन अगर आप नॉर्मल खाते हो बर्गर अंडे वाले तो फिर आपको थोड़ा सा महंगा हो जाता है, लेकिन अच्छा है अलबैक यहाँ पे बहुत ज़्यादा, दूसरों से तो बहुत ही अच्छा है। बिला वजह दूसरों में पैसे खर्च करके ज़ाया नहीं करना, अलबैक खा लेना। यहाँ पे और मार्केट्स आ गई, खिलौने की, टॉयज वगैरह। यहाँ एक और पाकिस्तानी होटल है, यहाँ एक और पाकिस्तानी होटल, पाकिस्तानी होटल बड़े और लिखा हुआ है बाकायदा पाकिस्तानी होटल उर्दू में, यानी पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ पे खोले, इंडिया के लोग, बंगाली लोग नहीं, पाकिस्तानी लोग। ये कुछ दोबारा जूस वगैरह फ्रेशनेस की हैं। यहाँ पर एक और मार्ट आ गया, मार्ट के अंदर जो है ना वो रेट आपको अच्छे मिल जाते हैं सही में। ये मार्ट आ गया और ये जो है ना ये रहा हरम, ये रहा। तो जितना आप दूर आएंगे आपको उतनी सस्ती चीज़ें मिलती हैं। तो मैं अपना व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। स्ट्रीट मैंने आपको दिखा दी, मदीना की लग्जीरियस भी दिखा दी, चीपेस्ट भी दिखा दी, तो जो आप अफोर्ड कर सकते हो आप कर लेना। अभी मैं अपना व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे एक और स्ट्रीट दोबारा शुरू हो गई है, ये वाली इत्र वगैरह, यहाँ से आप परफ्यूम ले लिया करो अगर आपको कोई चाहिए तो। ऐसे स्ट्रीट यहाँ पे बहुत सारी हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मैं अभी, मुझे भी वापस जाना है उधर, तो लाइक कर देना व्लॉग के लिए और नेक्स्ट व्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।